सब्सक्राइब कीजिए हमारी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंच सके और ज्योतिष संबंधी सभी जानकारियां आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे दुर्गा सप्तशती के 14वें अध्याय के बारे में। ऋषि बोले, अत्यंत पराक्रमी उस दुरात्मा महिषासुर एवं उसकी सेना के देवी द्वारा मारे जाने पर इंद्र आदि देवतागण अपनी वाणी द्वारा देवी जी की स्तुति करने लगे। जिस देवी जी ने अपनी शक्ति से सारे जगत को व्याप्त कर लिया है, जिनका स्वरूप सभी देवताओं का समूह है, सभी देवता एवं महर्षि जिनकी पूजा किया करते हैं, उस अंबिका देवी को हम प्रणाम करते हैं। वे देवी हमारा मंगल करें, जिसके अतुल प्रभाव को एवं बल को भगवान शेषनाग ब्रह्मा तथा हरि भी नहीं कह सकते। वही चंडिका देवी सारे जगत के पालन के लिए तथा अमंगल के भय के नाश का विचार करें। जो श्री स्वरूपिणी पुण्यात्माओं के घरों में तो लक्ष्मी स्वरूपा है, पापों के घरों में दरिद्रता, पवित्र बुद्धि वालों के हृदय में बुद्धि, श्रेष्ठ पुरुष के यहाँ श्रद्धा, कुलीन मनुष्यों में लज्जा स्वरूपिणी है। इस प्रकार की ये देवी जी हम आपको प्रणाम करते हैं। हे भगवती, आप विश्व का कल्याण करें। हे मातेश्वरी, आपके इस अचिंत्य रूप का, असुर के क्षय करने वाले आपके महान पराक्रम का एवं देवता तथा असुर के सामने संग्राम में किए गए आपके अद्भुत चरित्रों का वर्णन हम किस प्रकार कर सकते हैं। हे भगवती, आप स्वरूप आप संपूर्ण जगत का कारण हो, सतो रजतम इन तीन गुणों वाली होते हुए भी आप अज्ञ हो। दोषों के कारण हम लोग आपको जान ही नहीं सकते। हम तो क्या विष्णु शिव आदि भी आपका पार नहीं पा सकते। आप सबकी आश्रय हो एवं आप आद्या अव्याकृता प्राप्रकृति हो। हे देवी जी, सभी जगहों में जिसके उच्चारण करने से सभी देवता तृप्त हो, आप ऐसा अचिंत्य महावर्त स्वरूप हो और संपूर्ण दोषों से रहित इंद्रियों को वश में करने वाले, तत्व को ही सार जानने वाले मोक्षास्थिर मुनिजन जिनका अभ्यास करते हैं, वे देवी भगवती प्राविद्या आप हो। आप शब्द स्वरूपा हो, परम पवित्र ऋग्वेद यजुर्वेद एवं मनोहर उद्गीत के पदों के पाठ से युक्त सामवेद का आप निदान हो, वेदतई देवी हो, छह गुणों से संपन्न आप भगवती हो, सभी शास्त्रों का ज्ञान कराने वाली देवी आप मैदा हो, दुर्बल संसार रूप सागर से पार उतारने वाली नौका रूप दुर्गा हो, आप असंग हो, केटव देवती के शत्रु विष्णु के वृक्ष स्थल पर निवास करने वाली आप लक्ष्मी स्वरूपा हो एवं चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाले भगवान शंकर से सम्मानित आप गौरी हो। यद्यपि आपका मुख सुंदर तथा परिपूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुसरण करने वाला एवं निर्मल मंद मुस्कान से शोभित है, इस प्रकार के निर्मल मंद मुस्कान से शोभित चंद्रमुख को देखकर क्रोध से परिपूर्ण महिषासुर से झट से ही आप पर प्रहार किया। ये एक अद्भुत बात है। उससे भी अति अद्भुत एवं विचित्र बात तो यह है कि जब वह मुख क्रोध से युक्त उदय होते हुए चंद्रमा की भांति लाल लाल था, तनी हुई भोए अति विकराल थी, ऐसा देखकर महिषासुर ने अपने प्राण तुरंत वहीं पर नहीं छोड़ दिए। भला कौन ऐसा प्राणी है जो क्रोधी यमराज को देखकर भी जीवित रह सके। हे देवी जी, आप प्रसन्न हो सर्वदा उन्नति दाता देवी जी, आप जिन पर प्रसन्न हो वे ही सभी देशों में आदर पाते हैं, उन्हें ही यह धन और यश मिलता है। हे देवी, आपकी कृपा द्वारा ही पुण्यात्म पुरुष सभी धर्म संबंधी कार्यों प्रतिदिन किया करता है। आपकी कृपा से उसे स्वर्ण लाभ होता है, इसी कारण आप तीनों लोकों में फल देने वाली हो। आपसे बढ़कर और कौन है, सबके लिए उपकार करने वाली हो, आप सर्वदा दयामयी हो, इन राक्षसों के वध करने से जगत सुखी हो। ये राक्षस कभी नरक के लिए चिरकाल तक भले ही पाप करते रहे हो, संग्राम में इनका वध आपने इसलिए किया है कि मुझसे मारे हुए ये सर्व चले जाएं। ये मन में रखकर हे देवी, आप पापी का वध करती हो, आप असुरों को केवल देखने मात्र से भस्म क्यों नहीं करती, शत्रुओं पर शस्त्रों का प्रहार क्यों कर दिया करती हो। इसका भी कारण है क्योंकि शत्रुगण मेरे शस्त्र से मरकर पवित्र होकर उत्तम लोकों में पहुँचे। इस प्रकार आपके ये विचार अति उत्तम है। आपका शील स्वभाव दुराचारियों के दुष्ट स्वभाव को निवृत्त
करने वाला है और आपका रूप अचिंता है, उसकी अन्य किसी के साथ तुलना नहीं की जा सकती। आपका पराक्रम तो देवताओं के पराक्रम को नाश करने वाला तथा देवताओं को नाश करने वाला है। इस प्रकार आप शत्रु पर भी दया किया करती है। आपके पराक्रम की तुलना है देवी किसके साथ हो सकती है। आपके रूप भी तो परम मनोहर है परंतु शत्रुओं को भयदायक है। हे वरदायिनी, त्रिलोकी भर में यह आप में ही दिखाई देते हैं। हे देवी जी, शत्रु का नाश करके इन सारी त्रिलोकी की आपने रक्षा की है। संग्राम भूमि में उन देवतियों का विनाश करके उन्हें स्वर्ग में पहुंचा दिया है और वहां हमारा भय भी दूर कर दिया जो कि हमें उन्मत्त दानव डराया करते थे। हे माता, आपको नमस्कार है। हे देवी, हमारी सूल से रक्षा करें। हे अंबिके, खड़ग द्वारा हमारी रक्षा करें एवं घंटा के शब्द तथा धनुष की तनकार से हमारी रक्षा कीजिए। हे चंडी के, पूरा पश्चिम दक्षिण में हमारी रक्षा करें। अपने त्रिशूल को घुमा घुमा कर उत्तर में भी हमारी रक्षा कीजिए। ऋषि बोले, इस प्रकार देवी जी की देवताओं ने स्तुति की और नंदन वन में उत्पन्न हुए फूलों तथा गंध चंदन आदि से जगत की माता की उपासना की। सभी देवताओं ने भक्तिपूर्वक दिव्य धूपों द्वारा अर्चना की। तब देवी प्रसन्न होकर उन देवताओं से बोली, हे सभी देवताओं, अपनी अभिलाषा के अनुसार आप सब हमसे वर मांगो। देवता बोले, हे भगवती, आपने तो हमारी सभी कामनाएं पूर्ण कर दी, कुछ भी बाकी नहीं। हमारे इस महिषासुर शत्रु का आपने वध कर दिया, फिर भी यदि प्रसन्नतापूर्वक हमें वर देना चाहती हो तो हे माता, ये वर दीजिए कि जब भी हम आपका स्मरण करें तब तब हमारी बड़ी बड़ी आपत्ति आप दूर करें। हे प्रसन्न वदने माधेश्वरी, जो भी मनुष्य इन स्तुति द्वारा आपकी स्तुति करें उसे वृत रिद्धि वैभव दीजिए। हे अंबिके, हम पर सदा प्रसन्न रहिए। ऋषि बोले, राजन, जब देवताओं ने अपने तथा जगत के कल्याण के लिए इस प्रकार वर मांगा तब उन्हें तथास्तु कहकर भद्रकाली अंतर्ध्यान हो गई। हे राजन, पूर्व काल में तीनों लोगों का हित चाहने वाले देवी का देवताओं के शरीर से जैसे प्राकट्य हुआ वह सारी कथा मैंने ये कह सुनाई। तो ये था चौथा अध्याय जो आज आपने जाना। हमारी और वीडियो आगे भी आप लोगों के लिए ऐसी आती रहेगी। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी कर दें ताकि और लोग भी इससे जुड़ी हुई जानकारी ले लें। और यदि कोई बात आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, सभी जानकारी आपको विस्तार से दी जाएगी। और हमारी जो वीडियो है दुर्गा सप्तशती की, ये हम सभी जो भी है अध्याय अपलोड करेंगे, इसे आप लगातार देखते रहिए। धन्यवाद।